प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के तहत गठित संविधान की अस्तित्व है या नहीं पर चर्चा करें, यानी फिर भी संविधान को लेकर के विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ब्रिटिश या ब्रिटेन में कोई संविधान आपकी चीज है ही नहीं, कुछ ये कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है, उसका अलग प्रकार है, अलग ढांचा है। तो हम दो दृष्टिकोण को देखें, पहला है ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, दूसरा ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है। दो चीजों पर चर्चा करेंगे, यानी संविधान के अस्तित्व को नकारना और संविधान के अस्तित्व को स्वीकारना। ब्रिटिश विचारक वर्ग ने कहा है, हमारा संविधान श्रेष्ठ है, जहां विश्व के अन्य देशों में वांछित परिवर्तन को क्रांति और रक्तपात की आवश्यकता होती है, हमारे द्वारा यह परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से किया जाए। यानी ब्रिटिश विचारक वर्ग ने संविधान के अस्तित्व को स्वीकार किया है और कहा है कि ब्रिटेन में अगर परिवर्तन की आवश्यकता हो, ब्रिटिश संविधान के परिवर्तन की जरूरत हो, तो बिना किसी क्रांति या रक्तपात के आसानी से और संवैधानिक तरीके से हो जाता है। लेकिन टॉमस पेन और डी डार्कले ने ये कहा है कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज है नहीं, उन्होंने नकारा है। अमरीकी विचारक टॉमस पेन ने कहा है, बर्क को चुनौती दी, क्या बर्क महोदय ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि नहीं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व न कभी था और न है, यद्यपि उप संविधान के विषय में बहुत कुछ कहा गया। यानी टॉमस पेन ने ब्रिटिश विचारक एडमंड बर्क को चुनौती दी है कि क्या बर्क महोदय ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि नहीं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व न तो कभी था और न है, यदि उप संविधान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। फिर भी टॉमस पेन ने और आगे कहा, जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, वहां संविधान होता ही नहीं। यानी जिस संविधान को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वहां संविधान नहीं हो सकता। टॉमस पेन ने और आगे कहा है, फ्रांसीसी इतिहासकार डी डार्कले ने कहा है और ब्रिटिश लेखक टॉमस पेन ने भी कहा है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं। इसमें तीन प्रमुख तरह की बात है ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को नकारने के पीछे, क्योंकि किसी संविधान सभा ने ब्रिटेन का संविधान नहीं बनाया, इसलिए वहां संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा, ब्रिटिश संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान है, इसलिए संविधान बहुत अधिक लचीला हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान है ही नहीं। डीप डार्कले ने कहा है, संविधान उसी कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो। लेकिन ब्रिटेन के संविधान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां संविधान में संशोधन एवं कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से हो जाता है। तीसरा, ब्रिटेन में कोई संविधानिक कानून या आधारभूत कानून नहीं है, सभी कानून सामान्य कानून है जिनको लेकर के शासन संचालित होता है। इसलिए तीन तर्कों पर संविधान सभा ने संविधान नहीं बनाया, इसलिए वहां संविधान नहीं है। संविधान लेखपत या लिखित रूप में नहीं है, इसलिए वहां संविधान नहीं है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया ही समान है, इसलिए वहां संविधान नहीं है। वहां आधारभूत कानूनों या संवैधानिक प्रावधानों का अभाव है, इसलिए वहां संविधान नहीं है। लेकिन विद्वानों का एक दूसरा समूह है एडमंड बर्क जैसे, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में संविधान है। क्यों? क्योंकि वहां जो आपत्ति की गई है टॉमस पेन और डी डार्कले द्वारा, उसको नकारा गया। गार्नर ने कहा है कि संविधान लिखित और अलिखित हो सकता है, उसमें न तो वो पूरी तरह लिखित होता है न वो पूरी तरह अलिखित होता है। ये लिखित और अलिखित का अंतर मात्रा का होता है। कोई भी संविधान 100% लिखित नहीं हो सकता और कोई भी संविधान 100% अलिखित नहीं हो सकता। तो गार्नर ने इस बात को नकार दिया है कि संविधान का लिखित और अलिखित स्वरूप होता है। वो कहता है कि लिखित सभी संविधान लिखित भी होते हैं, सभी संविधान अलिखित भी होते हैं, उनमें मात्रा का अंतर होता है, कोई कोई अंश अवश्य होता है।
दूसरा ब्रिटिश संविधान के कुछ लिखित दस्तावेज भी मिलते हैं, जैसे 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा, 1628 ईस्वी का अधिकार याचना पत्र, 1689 ईस्वी का अधिकार पत्र, 1920 की आयरलैंड स्वतंत्रता अधिनियम, ये सभी लिखित दस्तावेज हैं जो ब्रिटिश संविधान के साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। तीसरा, ब्रिटिश संविधान सिद्धांत में ही लचीला है, व्यवहार में नहीं। जो साधारण कानून निर्माण के परिवर्तन की जो प्रक्रिया की बात है, टॉमस्टेन और डीडा की मिल गई है, वो उतनी आसान नहीं है। दिखाई देती है आसान, लेकिन वास्तव में आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के लोग बहुत रूढ़िवादी होते हैं, वो जल्दी से परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। संसद कोई भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वो तभी लागू हो पाता है जब ब्रिटेन के नागरिक उसको स्वीकार कर ले। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा बहुत करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। चौथा, ब्रिटेन में भी आधारभूत नियम या संवैधानिक कानून पाए जाते हैं, जैसे 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा, 1628 ईस्वी का अधिकार याचना पत्र, 1689 ईस्वी का बिल ऑफ राइट्स। ये सभी दस्तावेज प्रमुख या संवैधानिक या आधारभूत कानून के रूप में मौजूद हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, लेकिन वो लिखित ज्यादा है, लिखित रूप में कम है, वो निर्मित नहीं है, विकसित है, सबसे प्राचीन संविधान का उदाहरण है। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।